मैंने अपनी पहली वीडियो डाली, हाँ वो स्क्रिप्टेड थी, बट ड्यू टू सम टर्म्स एंड कंडीशंस वो हटानी पड़ी। 8 जनवरी 2020 इस साल का पहला दिन, ऐसे कुछ भी डाल दिया, सोचा था व्लॉगिंग चैनल बनाएंगे, बस 3 व्लॉग डाले, मसूरी व्लॉग, स्नो व्लॉग, बस व्लॉगिंग ख़त्म हो गया काम। फिर आ गया लॉकडाउन और ये स्टूपिड वायरस, कोई व्लॉगिंग नहीं, घर में बैठो, बकवास, बहुत सारी बकवास, मेरी बहुत बकवास सुनी आप लोगों ने, बहुत सारी। घर में बैठे बैठे हमने हर चीज़ ट्राई करी, गेमिंग, रैपिंग, अनबॉक्सिंग, रिव्यू, रिएक्शन, रोस्टिंग, टॉक्स, इंटरव्यूज, चैलेंजेस और शायद से एक और चीज़ें और भी करी होंगी। बट वाई आई क्रिएटेड दिस चैनल, हाँ तो जैसे थंबनेल और एक दो दिन से मैं स्टोरी डाल रहा था वाई आई, तो बेसिकली मेरे कोई हंसे हंसाने वाली वीडियो नहीं है, जस्ट एन अनाउंसमेंट। मेरा जो सीन था, मैंने चैनल क्यों बनाया था, पहली बात ये मेरा पहला चैनल नहीं है, इससे पहले भी कई चैनल बना के खत्म कर चुका हूँ जो कि ना सक्सेस मिली ना उनका कॉन्टेंट जैसा था, ठीक है। देन आई क्रिएटेड दिस चैनल एज योर डेली डोज विथ सपोर्ट ऑफ कुछ दोस्तों के सपोर्ट से बनाया यार, ठीक है, योर डेली डोज। फिर मैंने इसका नाम चेंज करा कबूतर प्राइवेट लिमिटेड। योर डेली डोज मैंने इसलिए रखा था, मैंने सोचा था हर दूसरे तीसरे दिन हम एक वीडियो डालते रहेंगे एंड विल बी डेली लाइकली, बहुत सही चलेगा। लेकिन फिर हमने अपना नाम चेंज करा कबूतर प्राइवेट लिमिटेड। कबूतर प्राइवेट लिमिटेड क्यों पड़ा था उसकी भी कहानी हमने बताई है, उसकी वीडियो है, आई बटन में दे दूंगा, याद दिला देना, नहीं होगी तो कमेंट सेक्शन में, ठीक है। अब हमने ये चैनल बनाया था अपना व्लॉगिंग के लिए, मेरा कोई ऐसा सीन नहीं था कि मैं घर में बैठ के ऐसी भी चीज़ें करूँगा, रिव्यू वगैरह ये सब चीज़ें करूँगा, मेरा कोई सीन नहीं था। देन घर में बैठ के हमने करी एंड अब अराउंड 8वां महीना है ये इस साल का, ठीक है, मीन्स लगभग 8 महीने से मैं ये चैनल चला रहा हूँ। 200+ सब्सक्राइबर्स हो गए हैं, बहुत खुशी है मेरे को, ठीक है। लेकिन मे बी इस जो चीज़ मैं बोल रहा हूँ उसकी वजह से मेरे सब्सक्राइबर लूज हो, मे बी प्लीज आर मत करना, ठीक है। कॉन्टेंट चेंज, ठीक है, जो हमारा स्टार्टिंग में कॉन्टेंट आया था ब्लॉगिंग का, हम सिर्फ वही करने वाले हैं। साफ सी बात ऐसी है, चैनल बनाया था ब्लॉगिंग के लिए, हमने ब्लॉगिंग कैमरा लिया, चार्ज हो रहा है भाई, मैं इसलिए दिखा रहा था, हमने ब्लॉगिंग कैमरा लिया, अनबॉक्सिंग करी, आपको दिखाया, सारी चीज़ें आपके सामने हैं यूट्यूब चैनल पर, पूरे चैनल पर 50+ वीडियो है, सब चीज़ें पूरे 8 महीना आपके सामने रखा है मेरा, ठीक है। लेकिन हाँ व्लॉगिंग टाइप ही है, लेकिन घर में बैठ के हम अलग अलग कॉन्टेंट बना रहे थे, शायद से वो बंद हो जाए, मतलब ऐसा हो सकता है कि मंथ में एक ऐसी वीडियो डालूँ, मंथ में कोई एक रिव्यू कर दूँ किसी चीज़ को, या फिर अपने पॉइंट ऑफ व्यू रख दूँ किसी एक चीज़ पे, मंथ में एक वीडियो। लेकिन जो मैं हर वीक 2-3 वीडियो डाल रहा था, कोई किसी चीज़ की स्क्रिप्ट की, कोई रिव्यू की, कोई अपना पॉइंट ऑफ व्यू की, तो वो अब नहीं होने वाला है, अब प्रॉपर व्लॉगिंग में जाएंगे हम, ठीक है। जैसे भी अगर हम कहीं भी जाते हैं या कुछ करते हैं, बाहर घूमने जाते हैं, तो उसके व्लॉग्स बनेंगे, प्रॉपर व्लॉग्स। मैंने ये चैनल खोला था ताकि मैं अपनी जो एडिटिंग स्किल्स है वो क्रिएटिविटी बढ़ा सकूं, एंड बेसिकली यूट्यूब ने मेरे को काफ़ी मदद की है। आई स्टार्टेड यूट्यूब सोनी वेगास पे, मेरा मन था प्रीमियर प्रो स्विच करने का, मैंने किया, उस मन की वजह से आई गॉट अ फ्यू इंटर्नशिप्स एंड हाँ यूट्यूब को मान सकते हैं आप कि बहुत, मतलब इसकी वजह से मैंने करा। अगर मैं यूट्यूब नहीं करता तो मैं सोनी वेगास पे चलता रहता, मेरा क्या, मैं क्या करना प्रीमियर प्रो का। लेकिन यस यूट्यूब से काफ़ी मदद हुई है। बाकी अब आपको बता रहा हूँ, मेरे को क्रिएटिविटी अपनी एडिटिंग में बढ़ानी है, तो हम प्रॉपर ब्लॉग्स की तरफ जाएंगे, अच्छे अच्छे शॉट लेंगे, एडिटिंग स्किल्स बढ़ाएंगे अपनी सारी, मतलब साफ सी बात ऐसी है, कॉन्टेंट चेंज हो रहा है, मंथ में एक आध वीडियो आ जाया करेगी, पॉइंट ऑफ व्यू, रिव्यूज और समथिंग, या अनबॉक्सिंग वगैरह, मंथ में एक वीडियो आ जाया करेगी, बाकी आपको व्लॉग्स मिलते रहेंगे, कॉन्टेंट स्लो हो जाएगा। अब हर, अब हफ्ते में 3 दिन तो व्लॉग बना नहीं सकते ना,
तो हफ्ते का एक ब्लॉग डालने की कोशिश पूरी रहा करेगी मेरी, ठीक है। तो कंटेंट स्विच, मगर सपोर्ट दिखा दो, सपोर्ट चाहिए, ठीक है, सपोर्ट कर देना। बाकी इस वीडियो पर कई लाइक शेयर मांगो यार मैं तुमसे, बस सब्सक्राइब कर दो, ठीक है, बन के एज सून एज पॉसिबल, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बस ये थी अनाउंसमेंट, नहीं है कि अब कंटेंट स्विच हो रहा है, व्लॉगिंग में जाएंगे पूरा बिल्कुल, और थोड़ी एडिटिंग स्किल्स बढ़ाएंगे, ठीक है। बाकी एक और बात, जैसे कि मैंने इंस्टाग्राम पे स्टोरी डाली थी कि मैं सीरीज बनाने की सोच रहा हूँ 5 एपिसोड की, मेरी जो भी सीरीज या फिर शॉर्ट फिल्म्स वगैरह जो भी आएंगी सब मेरे एजे फिल्म्स वाले चैनल पे आएंगी। डिस्क्रिप्शन में लिंक है चैनल की, वहाँ पर मैंने एडिटिंग ट्यूटोरियल्स भी डाले हैं, कोई हो सीखना लो सीख लेना। बाकी शॉर्ट फिल्म या सीरीज जो भी बनेगी वो उस चैनल पर आ जाएगी। इस चैनल को हम सिर्फ ब्लॉगिंग या फिर थोड़े बहुत महीने में एक आध रिव्यू वगैरह के लिए रखेंगे, ठीक है। कुछ लोगों को फैसला गलत लगेगा, कुछ को सही लगेगा, पता नहीं, अब बस अनसब्सक्राइब मत करना, ठीक है, बस हो गया, ठीक है। अब अगली बार जो मिलेंगे वो सीधा ब्लॉग में मिलेंगे, शायद से ना आए काफ़ी समय तक वीडियो, लेकिन एक हफ्ते के अंदर लाने की कोशिश करूँगा मैं इस वीडियो के बाद, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, डू सब्सक्राइब।